हेलो सेवन क्लास, आज हम आपके इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 जो कि प्रोनाउंस है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, प्रोनाउंस के बारे में हमने पढ़ा होगा क्या होता है सर्वनाम. ठीक है, जो नाउन क्या प्लेस ले ले, जो भी नाउन का प्लेस ले ले जो वर्ड, उसको क्या कहते हैं प्रोनाउंस. ठीक है, जैसे प्रोनाउन आर वर्ड डैट कैन रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस. ठीक है, प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें. वो क्या होते हैं हमारे प्रोनाउंस. ओके, जो नाउन को रिप्लेस कर दें. नाउन हम पहले चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं नाउन क्या होते हैं, उसको जो रिप्लेस कर दें वो होते हैं हमारे प्रोनाउंस. देखते हैं क्या होता है. कुछ इसमें आपको ये कुछ सेंटेंस है, ठीक है, उसमें आपको समझ में आएगा कि प्रोनाउन क्या होता है. नोटिस द फॉलोइंग पैसेज. प्रीति इज़ माई फ्रेंड, शी लीव्स वेरी क्लोज टू माई ब्रदर्स ऑफिस, ही वर्क फॉर द टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. दे ऑफन कम टू विजिट मी ऑन हॉलीडेज. वी टॉक अ लॉट अबाउट चाइल्डहुड. वेयर वी मीट, इट हैज़ बीन अ हैप्पी टाइम फॉर अस. आप देखो इसमें कुछ वर्ड दिख रहा हो. पहले किसकी बात है, प्रीति इज़ माई फ्रेंड. एक चीज कोई है जो बात कर रहा है, ठीक है, कौन है, स्पीकर है, वो बोल रहा है कि प्रीति क्या है, मेरी फ्रेंड है. शी लीव्स, आप देखो प्रीति नाम हुआ है ना, आप वो प्रीति लीव्स भी तो लिख सकते थे ना, प्रीति लीव्स वेरी क्लोज टू माई ब्रदर्स ऑफिस. पर उस अब इस सेंटेंस में प्रीति की जगह पर क्या यूज़ हो रहा है, शी. देखो प्रीति क्या है, तो प्रीति क्या है, प्रीति हमारी क्या है, नाउन. ओके, और प्रीति की जगह पे हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, शी. ठीक है, तो प्रीति को रिप्लेस करके हमने शी लगाया है, यानी कि हमारा शी जो है क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ. ओके, अब ऐसे ही देखो, शी लीव्स वेरी क्लोज टू माई ब्रदर्स ऑफिस, ही वर्क्स फॉर द टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. अब देखो ब्रदर की बात चल रही है, ठीक है, अब ब्रदर की बात के लिए वहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रही है स्पीकर, ही. मेल है तो मेल के लिए ही वर्ड यूज होता है, ठीक है. दे ऑफन कम टू विजिट मी ऑन हॉलीडेज. दे किसके लिए अभी बात हो रही है, प्रीति और उसके ब्रदर, स्पीकर के ब्रदर, दोनों के लिए बात हो रही है, दे यानी कि वे, ठीक है. अब मी किसके लिए हो रहा है, स्पीकर के लिए, ठीक है. तो इसमें देख रहे हो ना आप कि जो चीज़ें नाम का जगह लेती जा रही है, जैसे कि शी एंड ही रिप्लेस द नाउन प्रीति एंड स्पीकर्स ब्रदर रिस्पेक्टिवली, ठीक है. तो देखो ही और शी ने क्या रिप्लेस किया, प्रीति और स्पीकर जो भाई ये चीज़ बता रहा है उसके भाई को रिप्लेस किया ही ने. दे रिफर इज टू प्रीति एंड स्पीकर्स ब्रदर, इन दोनों के लिए वर्ड हुआ दे. मी रिफर टू स्पीकर के लिए मी वर्ड हुआ. वी रिफर टू ऑल द 3 पीपल इंक्लूडिंग द स्पीकर्स, वी सबके लिए, तीनों के लिए, स्पीकर के लिए भी, प्रीति के लिए भी और उसके भाई के लिए भी, ठीक है. इट रिफर्स टू देयर चिल्ड्रन चाइल्डहुड, ठीक है. और इट देखो चाइल्डहुड एक बार बात हो चुकी, चाइल्डहुड वेयर वी मीट, इट हैज बीन अ हैप्पी टाइम फॉर अस. तो इट चाइल्डहुड बचपन की बात हो रही है कि वो बहुत ही अच्छा टाइम था, ठीक है. तो इट वर्ड ये यूज हो रहा है, समझ में आया. तो ये क्या हुआ, एक तरीके से नाउन को रिप्लेस किया, तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रोनाउन. अब फटाफट से हम देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. ओके, बहुत लंबा चैप्टर है, ध्यान से आप सुनेंगे कि क्या होता है. अब इसको चैप्टर को दोबारा से आप रीड करें. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पहला क्या होता है, पर्सनल नाउन प्रोनाउंस, दूसरा है पॉसेसिव प्रोनाउंस, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनेट प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है. अब एक एक करके हम देखते हैं कि क्या होता है. देखो पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस में आ जाता है सच एज आई, यू, ही, शी, हिम, हर, दैम, इट, रिप्लेस पर्सन और थिंग. अगर किसी प्लेस और थिंग को रिप्लेस करे कौन, आई, यू, यानी कि मैं, तुम, वह, हर, उसका, ठीक है, दैम, ठीक है, वो, इट, ये है, दैम, उनका, ठीक है. तो ये वर्ड अगर रिप्लेस करे तो वो क्या हो जाता है, पर्सनल प्रोनाउंस. ओके, देर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव. दो तरीके के पर्सनल प्रोनाउंस होते बेटा. एक सब्जेक्टिव, इट वॉन्ट्स दैट प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. सेंटेंस में आपको मालूम है सब्जेक्ट होता है, जैसे कि शी लीव्स वेरी क्लोज टू माई ब्रदर, तो शी, तो सब्जेक्ट की जगह पे है शी, है ना. तो जब जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट का रोल प्ले करे तो सब्जेक्टिव होता है. ऑब्जेक्टिव मतलब द वन दैट प्ले रोल ऑफ प्रीपोजिशन और अ वर्ब. और ऑब्जेक्टिव होता है जब किसी प्रीपोजिशन या वर्ब का रोल प्ले करे, ठीक है. अब देखो कैसे, अमित एंड रेनू आर टू फ्रेंड्स. देखो अमित एंड रेनू आर टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं. ही लाइक अ वेरी मच, ही लाइक्स अ वेरी मच, तो ही है सब्जेक्ट का काम कर रहा है. शी इज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, तो शी. तो यहाँ देखो सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है ही एंड शी, तो ये हमारे हो गए पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है, ठीक है. अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं. द प्रोनाउंस हर इन अ सेकेंड सेंटेंस प्लेज द रोल ऑफ द ऑब्जेक्टिव. हर बोला हुआ है ना, देखो दोबारा से मैं सेंटेंस आपको दिखाती हूँ बेटा. हर
हर सेकेंड लाइन में हर बोला हुआ है, ये देखो ही लाइक्स हर, है ना, ही लाइक्स हर, तो वर्ब का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, और आगे तो ही लाइक्स हर, तो ये यहाँ पे किसका काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट का। यहाँ शी इज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, प्रोनाउन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का क्या कर रहा है, हिम वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो प्रीपोजिशन के रोल पे काम कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब वर्ब या फिर प्रोनाउन के बाद आ जाए तो वो क्या हो जाता है हमारा, सिंपली ऑब्जेक्टिव का काम कर जाता है। ओके, अब हम देखेंगे आगे। अब यहाँ पे कुछ ना, यही नंबर से जेंडर की बात चल रही है यहाँ हमारे यहाँ इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, और मैस्कुलाइन फेमिनाइन या न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। इट होता है न्यूट्रल में, होता है दे दैम, या तो दे मैस्कुलाइन फेमिनाइन, जहाँ पे इस सेंटेंस की ही बात हो रही है, जहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है सब्जेक्टिव के तौर पे या ऑब्जेक्टिव के तौर पे, ठीक है, आप मिलाकर देखिएगा। अब है हमारे ये पॉसेसिव प्रोनाउंस। पॉसेसिव प्रोनाउंस होता है जब किसी चीज़ के बारे में कही जा रहा, कहा जा रहा है, जैसे पॉसेसिव प्रोनाउंस सच एज माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, देयर आर यूज व्हाइल रेफरिंग टू पोसेशन, जब हम बताएं कि हाँ ये उसका है, ठीक है, तो पोसेशन दिखा रहे हैं, जैसे ये मेरा है, ठीक है, जैसे सुमित इज फ्रेंड ऑफ माइन, मैं क्या कह रही हूँ, सुमित क्या है, मेरा फ्रेंड है, तो मैं पोसेशन दिखा रही हूँ कि सुमित कौन है, मेरा फ्रेंड है, ठीक है। राकेश एंड रुपेश आर माई कजन्स, वी कम टू स्कूल टुगेदर बाय कार, कार इज थियर्स, और हम, मैं कार की बात करूँ, वो कार जिस कार में हम स्कूल जाते हैं वो कार क्या है, देयर, यानी कि उनकी है, देयर्स, ठीक है, यानी कि उनकी है। तो इन द एवर पैसेज प्रोनाउंस सच एज माइन, देयर, शो द पोजीशन ऑफ सुमित एज अ फ्रेंड और द स्पीकर एंड अ कार बोथ राकेश एंड रुपेश, जब किसी चीज़ के बताए कि हाँ ये चीज़ उसकी है, जैसे ये बात हो रही है सुमित किसकी फ्रेंड है, माइन, यानी कि स्पीकर की, जो स्पीकर बोल रहा है कि सुमित मेरी फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, ठीक है, और कार किसके, राकेश और रुपेश की कार है, तो दियर्स, तो पोसेशन, पोसेशन दिख रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, पोसेशन प्रोनाउंस। अब आगे देखते हैं, इसमें देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में माइन, माइन का प्लूरल क्या हो जाता है, आवर्स, माइन मतलब मेरा, उसका प्लूरल हो जाएगा आवर्स, सेकंड पर्सन में योर्स, योर्स का योर ही रहेगा, थर्ड पर्सन में हिज का हो जाएगा देयर्स, और हर्स का हो जाएगा देयर्स, ठीक है, और मैस्कुलाइन फेमिनाइन में तो पता ही है, अगर चेंज करना चाहो तो हो सकता है, ठीक है। अब डीमोनिस्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं ये देखते बेटा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस सच एज दैट, दिस, दीज, दोज आर यूज टू पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक थिंग दे रिफर टू, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, कि हाँ दैट इज, वह, वे, वो, ठीक है, यह है, वह है, ठीक है, जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके बोलते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, अब आगे देखते हैं क्या होता है, कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं, आप समझ में आएगा। दीज आर द गिफ्ट्स दैट बाय आंट गिव मी लास्ट ईयर, ठीक है, तो हम, मैं बता रहा हूँ कि ये जो गिफ्ट्स हैं वो मेरी आंट ने मुझे लास्ट ईयर गिफ्ट किया था, ठीक है। दैट इज़ द बॉक्स इन विच माई आंट ब्रॉट ऑल दीज गिफ्ट्स, और वह वो बॉक्स है जिसमें मेरी जो आंटी हैं वो गिफ्ट लेकर आई थी, तो दैट, तो हम एक पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना कि ये है वो, ये जो है ये सारे वो गिफ्ट है, और वह जो बॉक्स है उसमें लेकर आए हैं, लेकर आई थी मेरी आंटी जो है गिफ्ट्स, ठीक है। तो ये दीज वो वर्ड्स आर इटैलिक रिप्लेस ऑल द पॉइंट टू वर्ड्स द नाउन आर कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके, नोट दैट दिस दैट दीज दोज आर ऑल्सो यूज एज अ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स, ठीक है, तो साथ में ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डिटर्मिनर्स भी होते हैं। वेन दे दीज वर्ड्स क्वालिफाई नाउन दे प्ले द रोल ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव, लाइक आई लाइक द कलर ऑफ दिस ड्रेस, ठीक है, जब ये किसी चीज़ को क्वालिफाई करे कि हाँ मुझे इसका क्या पसंद आया है, कोई कलर पसंद आया है दिस ड्रेस इसका, तो ये हमारा कभी कभी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी काम कर जाती है। ओके, अब पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, बहुत ईजी इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन किया जाए, जैसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस सच एज हु, हूज, विच, व्हाट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है, जब किसका, कौन, विच, कौन सा, क्या, ठीक है, ये वर्ड जब यूज होता है क्वेश्चन, इसमें सबसे पहचान वाली बात है क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है। हु गेव मी अ ब्लैंक कॉल, ठीक है, व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे फादर क्या कहते हैं, हु इज दिस, हुज इज दिस, ये किसका है, ठीक है, तो किसका या कौन या किसका, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे हो जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ओके, तो ये बहुत इजी होता है, डब्ल्यू एच फैमिली इसी पहचान सकते हैं हमको, जिसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब आएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस सच एज माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, ऑलवेज रिफर टू द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस,
ये वो वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट को ही रिफर कर रहे होते हैं, जैसे कि नीता मैनेज टू सेव हर सेल्फ, नीता मैनेज टू सेव हर सेल्फ, नीता ने खुद को मैनेज किया बचाने में, हर सेल्फ खुद से ही उसने मैनेज किया अपने आप को बचाने में, ठीक है। वी मस्ट बूस्ट आवर सेल्फ, तो वी को ही एक्सप्लेन क्या कर रहा है, आवर सेल्फ ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, ये सब्जेक्ट को ही क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को ही रिफर कर रहा है, ठीक है। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, तो ये जब सब्जेक्ट को ही रिफर करे तो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ओके। इसके बाद है इन द एवर सेंटेंस द प्रोनाउंस योर सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ रिफर टू द नीता एंड वी रिस्पेक्टिवली, ओके। ये तो यही चीज़ जो मैंने आपको समझाई वो उसको एक्सप्लेन करता है। अब इसकी वही नंबर्स और जेंडर में देखते हैं, पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर में क्या हो जाता है आई, और वही पर्सनल में आई है, रिफ्लेक्स होके माई सेल्फ हो जाएगा। अभी पर्सनल में पढ़ा था ना आई, यू, ही, शी, इट, वन, ये क्या होता है हमारा पर्सनल होता है, तो आई रिफ्लेक्स होकर माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, इट इटसेल्फ, वन ऑन सेल्फ, वन सेल्फ, ठीक है। और ऐसे ही अगर प्लूरल है तो वी आवर सेल्फ, यू योर सेल्फ, दे देम सेल्फ, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो आई में मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों जेंडर हो सकता है, यू में भी कोई भी हो सकता है, ही में सिर्फ बॉय होता है, मैस्कुलाइन हो सकता है, शी में सिर्फ फेमिनाइन होगा, इट में न्यूट्रल होगा, इट का कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है। वैसे ही दे का, अब देखो वन में कोई सा भी हो सकता है, वन सेल्फ में मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों, दे में भी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करा हुआ है कि कोई भी चीज़ है तो सिंगुलर प्लूरल में कैसे डिफाइंड होगी नंबर्स में, और फिर अगर जेंडर में करना है तो क्या किसके लिए, ठीक है। तो आपको मालूम है शी ही जो होता है सिर्फ मेल के लिए होता है, शी जो होता है फीमेल के लिए, इट क्या होता है न्यूट्रल जेंडर जिसका कोई जेंडर नहीं होता, ओके। आगे अब देखते हैं हम इसको, आगे क्या है, आगे और भी काइंड जो बचे हैं वो पढ़ेंगे हम। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस सच एज ईच, आइदर, नीदर, इधर, नाइदर, रिवर टू पर्सन्स और थिंग्स टेकन एज अ यूनिट। जैसे इधर ऑफ यू कैन टेक द फ्री पासिस फॉर द शो, तो बोलते हैं कि कोई भी आइदर, ठीक है, कोई भी मान लीजिए फ्री पासिस ले सकता है शो का। नीदर ऑफ यू एज अलाउड टू गो टू टिल यू फिनिश योर होमवर्क, मतलब कि तुम में से कोई नहीं जाएगा जब तक आप होमवर्क कंप्लीट आपका नहीं हो जाता, ठीक है। तो जब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, सच एज ईच वर्ड आ जाए या इधर आ जाए या नीदर आ जाए, तो रिफर टू अ पर्सन और थिंग्स टेकन एज अ यूनिट, ठीक है। तो उसी चीज़ों के लिए ये वर्ड हमारे क्या शो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना कि कोई भी ले सकता है, ठीक है, अब पासेज शो, ठीक है, आइदर ऑफ यू, इनमें से तुम में से कोई भी ले सकता है, तो नाइदर ऑफ यू, कोई भी तुम में से ही बिना होमवर्क किए वापस जाने के लिए अलाउ नहीं होगा। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव कर देते किसी, रिफर करते हैं किसी टू पर्सन और थिंग को, ठीक है, एज अ यूनिट। अब आता है इनडेफिनाइट प्रोनाउंस, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस में क्या आता है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस सच इज समथिंग, समवन, समबडी, जब हमें पता ना हो, जब ओनली समथिंग, समबडी, समवन, एनीथिंग, एनीबडी, नोबडी, ऑल, नोन, सम, सर्वल, फ्यू, एनी, मैनी, अदर, एवरीवन, एनीवन, नथिंग, रिफर टू पर्सन, थिंग, और इन अ जर्नल वे, दिस थिंग आर नॉट डेफिनेट, स्पेसिफिक और एग्जैक्ट। इनडेफिनिट में जब चीज़ कोई पता ना हो, एग्जैक्ट हमें पता ना हो, तो वो हमारी क्या हो जाती है, इनडेफिनिट, ठीक है। जैसे वन मस्ट ओबे वंस टीचर, समबडी विस्पर टू हर इन अ डार्क, ऑल इज वेल हियर, ठीक है। तो जब हमें पता ना हो, स्पेसिफिक कुछ चीज़ ना पता हो, ठीक है, वो होता है हमारे डेफिनेट ना हो, ठीक है, पता ना हो किसी चीज़ का, कि समबडी विस्पर टू हर, कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया अंधेरे में, ठीक है, हमें पता नहीं है किसने, तो ये होता है इनडेफिनिट प्रोनाउंस, जब हमें पता नहीं होता कि किसने क्या, किसकी बात चल रही है, तो वो हो जाते हैं हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस में, ओके। अब है रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस में बेटा क्या उनसे होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस सच एज हु, विच, व्हाट, होम, हुज, दैट, लिंक अ फ्रेज और अ क्लॉज टू एनदर इन अ सेंटेंस। जैसे कि द स्टूडेंट होम यू सेंट लास्ट वीक इज ब्रिलियंट, अब क्या बोले, वो स्टूडेंट जिनको तुमने लास्ट वीक भेजा था वो बहुत ही ब्रिलियंट थे, तो ये बात ना जिनको, जिसका, ठीक है, जो, ओके, तो ये सारे वर्ड क्या हो जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस, की रिलेट करें ना कि वो जो स्टूडेंट आए थे वो, ठीक है, जो स्टूडेंट तुमने लास्ट वीक भेजे थे वो क्या थे, ब्रिलियंट थे। दिस इज द मैन हुज म्यूजिक इज ब्रिलियंट, ठीक है, यही वो आदमी है जिसका क्या है, म्यूजिक इज ब्रिलियंट, ठीक है। द प्लीज रीड द पोएम विच वर्ड वॉट रॉट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जो रिलेट करते हैं, ठीक है, जैसे हु, विच, वॉट, हुम आ जाए, ठीक है, ये होते तो देखो
इसको पहचानने का तरीका क्या होता है? देखो WH वैसे क्वेश्चन होना चाहिए था, पर ये क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव नहीं है, ठीक है? तो इंटेरोगेटिव नहीं समझना आप इसको, बच्चे लोग आप मतलब कि बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सेंटेंस से आपको देखकर पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किया जा रहा है या बताया जा रहा है। जब क्वेश्चन किया जाए तो वो इंटेरोगेटिव, ठीक है, और जब बताया जाए, ठीक है, उसी WH फैमिली इन विच हु व्हाट हुम वर्ड का यूज़ करके, तो वो रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाता है, ठीक है, जब किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा हो। तो यही है हमारे क्या हो गए, रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो काइंड ऑफ प्रोनाउन खत्म होते हैं। तो आप इसको इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग रीड कीजिएगा दोबारा से, ठीक है, बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से रीड कीजिएगा बेटा, और अच्छे से एक एक पॉइंट, क्योंकि हो सकता है कि कोई सेंटेंस आपको एग्जाम में पूछ दे दिया जाए और उसमें आपको बताने को दे दिया जाए कि ये कौन सा प्रोनाउन है, कौन से काइंड ऑफ प्रोनाउन में ये आएगा, ओके? तो सेंटेंस आप अच्छे से रीड कीजिएगा सारे।